सो हे गाइज बेटो आर्मी हियर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइज बढ़िया होंगे एंड गाइज बढ़िया ही रहना। तो गाइज जो फाइनली सीएस रैंक्ड में डुओ एक्टिव स्किल वाला ऑप्शन जो है ना वो फिर से आ चुका है 16th अक्टूबर तक। एंड गाइज जहां तक मुझे लगता है कि डुओ एक्टिव स्किल कैरेक्टर वाले में अच्छे रैंक पुशर्स नहीं आते होंगे, तो गाइज 16th अक्टूबर तक जितनी जल्दी से जल्दी एंड जितना ज्यादा से ज्यादा रैंक पुश करना है ना कर लो, बहुत अच्छा मौका। क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको डुओ एक्टिव स्किल के 5 ऐसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, जिस कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद गाइज आप 10 out of 10 मैचेस जीतने वाले हो। एंड अगर आप लोग एक मैच हारोगे भी तो वो वही बंदा होगा जो इस वीडियो को देखा होगा। गाइज मैं सिर्फ आपको डबल एक्टिव कॉम्बिनेशन नहीं बताने वाला हूं, मैं साथ ही साथ उसके स्किल्स भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिस स्किल को यूज करके आप इजिली सामने वाले बंदे को बहुत आसानी से मार सकते। एंड गाइज आज का जो मैं 5 कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूं, उसमें जो 4th कॉम्बिनेशन है वो सबसे खतरनाक। तो चलो गाइज बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1, तो गाइज एक एक्टिव स्किल में लेना आपको होमर कैरेक्टर एंड दूसरी एक्टिव स्किल में लेना आपको तत्सुया कैरेक्टर। क्योंकि गाइज होमर कैरेक्टर की एबिलिटी से आप सामने वाले बंदे की स्पीड को स्लो करोगे एंड उसके बाद जो तत्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी से जाकर के उस बंदे को इजिली फिनिश कर दोगे। एंड गाइज रियली इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद आपका गेम बहुत ही ज्यादा ओपी चलने वाला है। एंड गाइज सेकंड कॉम्बिनेशन जो है ना वो वैसे बंदे के लिए है जो राउंड स्टार्ट करने के बाद ही डायरेक्ट फाइट लेना चाहते हैं। सो गाइज सेकंड वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है तत्सुया कैरेक्टर एंड उसके साथ में आपको लेना है A124 कैरेक्टर। क्योंकि गाइज इन दोनों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के मदद से इजीली सामने वाले बंदे को मार सकते हो। क्योंकि गाइज अभी जो ट्रेंड पे जो दो कैरेक्टर चल रहा है ना गाइज, वो तो एक तो चल रहा है दिमित्री कैरेक्टर एंड एक चल रहा है सोनिया कैरेक्टर। अभी के टाइम पे जहां तक मुझे लगता है 90% बंदे दिमित्री कैरेक्टर लेके चलते हैं। क्योंकि गाइज जैसे आप उन बंदे को मारते हो ना वो बंदे खुद से ही ऑटो रिवाइव हो जाते हैं। गाइज ये लिटरली बहुत ही गंदा चल रहा है। एंड गाइज सोनिया कैरेक्टर के बारे में तो आपको पता ही है यार, पूरा दिमाग खराब करके रखा, मतलब समझ रहे हो ना, ये 3-3 सेकंड वाला इशू इतना घटिया हो रहा है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गाइज कि आपको डायरेक्टली रश नहीं करना है तब तक कि आप उसको थोड़ा सा डैमेज ना दो। क्योंकि गाइज अगर आप लोग थोड़ा सा डैमेज दे दोगे ना उसके बाद आप इजीली बंदे को डाउन कर सकते हो। एंड गाइज वैसे भी A124 का यूज करके तो आप इजीली बंदे को तो डाउन कर ही सकते हो ना, क्योंकि गाइज ये तो बहुत ही इजी हो रहा है। गाइज इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आता है 3rd कॉम्बिनेशन, वो है गाइज शांतिनो प्लस तात्सुया। गाइज बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो रशर के लिए जो बंदे डायरेक्टली राउंड स्टार्टेड ही बंदे के पास मारने चले जाते हैं। गाइज इसके लिए आपको करना क्या है ना, आपको शांतिनो का पुतला छोड़ने के बाद डायरेक्टली बंदे पे रश करने जाना है। एंड गाइज अगर जैसे ही आपको बंदा मारने की कोशिश करता है तो आपको तुरंत से टेलीपोर्ट हो जाना है। एंड गाइस अगर आप किसी बंदे को मारने गए थे तो आप तो थोड़ा सा तो उसको डैमेज दिए ही होंगे ना। सडनली यू शुड हैव टू एक्टिवेट द तात्सुया का कैरेक्टर एंड उसके बाद आप उसको डायरेक्टली इजीली उस बंदे को मार सकते हो, क्योंकि आपने उस बंदे को ऑलरेडी स्टार्टिंग में डैमेज रखा तो फिर तात्सुया कैरेक्टर एक्टिवेट करने के बाद आप इजीली उस पे रश कर सकते हो। गाइस फाइनली अब आता है 4th कॉम्बिनेशन। एंड गाइस जो 4th कॉम्बिनेशन बताने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर देना। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। तो गाइज एक्चुअल में 4th कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है गाइज ओरियन प्लस वुकोंग कैरेक्टर। इस कॉम्बिनेशन से गाइज सामने वाली एनिमी की फट के हाथ में आने वाली है गाइज, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है ना कि दोनों ही एक्टिव स्किल को आप एक ही बार में यूज कर सकते हो। अगर एक डाउन हो गया तो दूसरा चार्ज होगा, दूसरा डाउन हो गया तीसरा चार्ज होगा। सपोज गाइज आप किसी बंदा पे रश करने जाते हो, आप वुकोंग बन के उस बंदे को मारने की कोशिश करते हो, अगर वुकोंग डाउन होता है आप तुरंत से ओरियन एक्टिव कर सकते हो। एंड अगर आप ओरियन बनते हुए भी अगर डायरेक्ट बंदा को डाउन कर दिए तो फिर तुरंत से वुकोंग एक्टिव हो जाएगा, वुकोंग बनते हुए बंदा को डाउन कर दिए तो ओरियन एक्टिव हो जाएगा, मतलब दोनों एक्टिव रहेंगे। लिटरली यार गाइज इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद ना आप बहुत जल्द शॉर्ट रेंज फाइट जीत सकते हो, मतलब कुछ जितना भी शॉर्ट रेंज फाइट है ना सारा ही जीत जाओगे, क्योंकि बहुत ओपी कैरेक्टर ये होने वाला। तो गाइज मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि आपको यूज कैसे करना है। तो गाइज सबसे पहले जैसे आप बंदे के सामने शॉर्ट रेंज फाइट करने जाते हो तो सबसे पहले गाइज आपको वुकोंग बनना है। एंड वुकोंग बनने के बाद आपको फाइट करना है। एंड गाइज उसके बाद जैसे ही आपकी एचपी थोड़ी बहुत कम हो जाती है उसके बाद आपको अपने ओरियन कैरेक्टर की स्किल को एक्टिव करना है। एंड गाइज ओरियन एक्टिव करने के बाद उसके बाद कोशिश करना है कि सामने वाले बंदे को डाउन कर दे। जैसे ही आप बंदे को डाउन करोगे तुरंत से आपका दोनों ही कैरेक्टर दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। गाइज इसके बाद अब मैं जो फाइनल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ ना ये भी लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है गाइज। एंड ये कॉम्बिनेशन वैसे बंदे के लिए है जो बंदा या तो रश करके खेलना चाहता है या फिर सर्वाइव करके खेलना चाहता है या फिर डायरेक्टली समझ रहा है कि दूर से लॉन्ग रेंज में फाइट करना चाहता है। इस कॉम्बिनेशन में आपको लेना है दिमित्री प्लस तात्सुया कैरेक्टर। दिमित्री एंड तात्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी से गाइज बहुत ही खतरनाक फायदा आपके पास होने वाला। लेट सपोज गाइज कि आप गेम खेल रहे हो एंड कहीं दूर आपके दो टीममेट्स को अपोनेंट ने डाउन कर रखा है, तो फिर गाइज तात्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी से आपको अपने बंदों के पास पहुंचना है और टीममेट्स का ध्यान भटकाना है, उसी टाइम पे आपको दिमित्री कैरेक्टर को ऑन कर देना। फिर गाइज इससे फायदा ये होगा कि आप बहुत जल्द से जल्द अपने टीममेट्स को रिवाइव कर पाओगे, उसके बाद फाइट करके आप इजीली अपने ओपोनेंट के बंदे को मार सकते हो। एंड लेट सपोज गाइज कि अगर आप लॉन्ग रेंज में फाइट कर रहे हो एंड अगर कोई ओपोनेंट वाला
वाला बंदा आपको डाउन कर देता है, तो फिर आपको दिमित्री कैरेक्टर की एबिलिटी को एक्टिव करके अपने आप को रिवाइव कर लेना है। देन फिर उसके बाद आपको तत्सुया कैरेक्टर को यूज करने के बाद वहां से थोड़ा सा पीछे चले जाना है, एंड जैसे ही उसके बाद आपके बाद जो अपोनेंट वाला बंदा आएगा ना वो आपके ऊपर रस करने की कोशिश करेगा, तो आप उसके बाद तत्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके इजीली उसे फिनिश कर सकते हो। एंड आई नो गाइस कि आप लोग मेरे चैनल पे सीएस रैंक के ग्लिच से रिलेटेड वीडियो का इंतजार कर रहे होगे, तो डोंट वरी गाइस, मुझे ग्लिच भी मिल चुका है, बहुत जल्द इस चैनल पे वो वीडियो अपलोड होने वाला है, क्योंकि वो ग्लिच जो है वो एंटी वैन ग्लिच है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।